दोस्तों, पुराने जमाने से ही गोल्ड एक सुरक्षित निवेश का जरिया माना जाता है। आज भी भारत में गोल्ड को लेकर एक इमोशनल रिश्ता है। लेकिन घर में सोना रखना खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि इसके चोरी हो जाने, खो जाने का डर भी लगा रहता है। तो इसके लिए कुछ लोग गोल्ड को लॉकर में रखते हैं, कई बैंक लॉकर की सुविधा भी देते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो इससे पहले आपको ये पूरी जानकारी जानना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, क्या लॉकर में कीमती चीज़ें सुरक्षित है? अगर आपने बैंक लॉकर में गोल्ड ज्वेलरी या फिर बेहद ही ज़रूरी चीज़ें ये सोचकर रखी है कि वहाँ पर वे पूरी तरह से सुरक्षित है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक में चोरी, आग या फिर दूसरे किसी भी कारण से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुँचता है तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। चलिए आपको बता दें कि लॉकर को लेकर RBI के क्या दिशा निर्देश है। लॉकर में रखा सोना या कोई भी कीमती चीज़ कितनी सुरक्षित है, इस पर साल 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पर ध्यान देना चाहिए। और इसके मुताबिक बैंक की ये कतई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि किसी भी दुर्घटना होने पर वो लॉकर में रखी कीमती चीज़ों की भरपाई ग्राहक को करे। मतलब ये कि अगर किसी भी तरह से अनहोनी बैंक में होती है, जैसे कि बैंक में डकैती, आग लगना, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा, युद्ध के हालात में बैंक अपने कस्टमर को भरपाई नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक के लॉकर एग्रीमेंट में देयता भुगतान के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। सारी जिम्मेदारी ग्राहक यानी कि बैंक अकाउंट होल्डर की होती है कि वो अपने कीमती सामान का इंश्योरेंस करा कर रखे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों मित्रों के साथ में फेसबुक व्हाट्सएप पर इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज सोने चांदी के भाव और काम की खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।